नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिग बॉस 14 में इस वीकेंड सलमान खान घरवालों को सप्ताह भर घर में किए गए गलतियों के लिए डांट लगाने वाले हैं। आने वाले वीकेंड का वार एक प्रोमो वीडियो जारी हुआ है, जिसमें सलमान खान घर में नेपोटिज्म की बहस को लेकर राहुल वैद्य को फटकार लगाने वाले हैं। सलमान खान कहते हैं कि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करता है तो क्या वो नेपोटिज्म हो गया है। प्रोमो की शुरुआत में सलमान राहुल से कहते हैं, राहुल बात चली थी नेपोटिज्म के ऊपर, अगर मेरे पिता मेरे लिए कुछ करते हैं तो वो नेपोटिज्म है। फिर वो प्रसिद्ध गायक कुमार शानू के बेटे जान कुमार शानू से पूछते हैं, जान पिता ने आपको कितनी जगह रिकमेंडेड किया। जान कहते हैं, सर कहीं नहीं किया, डैड ने मुझे रिकमेंडेड। फिर सलमान राहुल वैद से मुखाबिक होकर कहते हैं, आप अपने बच्चों को किसी और के ऊपर थोप रही हो, प्रेशर डाल रही हो, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो पॉसिबल है, मैं ये जानना चाहता हूँ, यह प्लेटफॉर्म नेपोटिज्म लाने के लिए नहीं है। आपको बता दें, इस हफ्ते के शुरुआती एपिसोड में नॉमिनेशन के दौरान राहुल वैद्य ने जान कुमार शानू पर नेपोटिज्म को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल का कहना था कि उन्हें नेपोटिज्म से नफरत है और जान उसी के बल पर शो में बने हुए हैं। शो के कंटेस्टेंट जैस्मिन भसीन का राहुल वैद्य के साथ वर्ल्ड टूर टास्क के दौरान ड्रामे को लेकर सलमान उन्हें भी डांट लगाते हैं। वर्ल्ड टूर टास्क के दौरान जैस्मिन रोने लगती है, उन्होंने राहुल के ऊपर पानी फेंका और उन्हें अब्यूज भी किया। सलमान जैस्मिन से कहते हैं, जैस्मिन राहुल ने आपको यह बात बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि छोड़ दो, चोट लग जाएगी। जैस्मिन ये रोना धोना क्या ये जायज है? गाली भी दी, पानी भी फेंका, किस आधार पर? आप बहुत गलत चली गई हो। सलमान ने रूबीना दिलिया को टारगेट करते हुए उन्हें जैस्मिन का पपेट मास्टर कहा और बोले कि रूबीना ने जैस्मिन को रोकने की बजाय आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने रूबीना से कहा, रूबीना वो क्या था जो आपने कहा पानी फेंकेगी? कुछ भी करेगी, कोई रोकेगा नहीं। आप लोग हिंसा हिंसा चिल्लाते रहते हो घर के अंदर। रूबीना आप अपनी जिंदगी मुश्किल में डालती है और दूसरों की जिंदगी भी मुश्किल आती है। अपना पैशन अपना पैशन, दूसरों का पैशन वायलेंस।